बच्चा चोर गिरोह की अफवाह पूरे देश में तेजी से फैल रही है, जहां बेकसूर लोगों को पीटा जा रहा है। रेवाड़ी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब 3 साल की भांजी के साथ बाजार आए नाबालिग मामा को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया। गनीमत रही कि भीड़ उग्र होने से पहले पुलिस बच्ची और नाबालिग मामा को पुलिस थाने ले आई और परिजनों को बुला मामा और बच्ची को परिजनों के हवाले कर दिया गया। रेवाड़ी शहर के मोती चौक पर भीड़ के बीच हाथ जोड़कर छोड़ने की भीख मांग रहा ये नाबालिग लड़का, जो 3 साल की अपनी भांजी के साथ घर से निकला था, रास्ते में स्कूटी का तेल खत्म हुआ तो बच्ची रोने लगी। तभी बाजार में किसी ने ये समझ लिया कि ये बच्चा चोर है और देखते देखते भीड़ लड़के को मारने पर आमादा हो गई। गनीमत रही कि मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई और लड़के और बच्ची को लेकर पुलिस थाने ले आई। वहीं भीड़ से ही मोबाइल से एक वीडियो बना, सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया और दावा किया गया कि ये बच्चा चोर गिरोह का सदस्य है, लेकिन जांच की गई तो हकीकत कुछ और निकली। वहीं पुलिस ने पूछताछ की तो पकड़े गए लड़के ने अपना घर सेक्टर 3 में बताया, जहां पुलिस पहुंची तो पता चला कि किराए के मकान पर बच्ची की माँ और नानी रहती है और ये लड़का भी बच्ची का मामा है जो साथ ही रहता है। पुलिस ने सभी दस्तावेज चेक किए, जिसके बाद गलतफहमी की घटना बता बच्ची और लड़के को परिजनों के हवाले कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध को देख तुरंत फैसला ना ले, पहले जांच कर ले और फिर पुलिस को सूचित करे। ये सारा मामला आज दोपहर तकरीबन 3 बजे का है, जहां मोती चौक के पास पब्लिक ने एक लड़के पर शक किया कि वो स्कूटी पर एक 3 साल की छोटी बच्ची को अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है। वो लोग शक के बिना पर उसको थाने लेके आ गए। थाने लाने पर उस लड़के से पूछा कि हमने पूछा कि लड़की को कहाँ से लेके आया है, तो वो हमें सेक्टर 3 में लेके गया है एक हाउस में, जहाँ पता लगा कि जो लड़का था उसका नाम संदीप था और बच्ची का नाम दिव्यांशी था और वो लड़की का सगा मामा था और उसकी वहाँ जो बच्ची की मदर भी थी, उसकी मदर की मदर यानी नानी भी थी, वहाँ तस्दीक की गई। वो लोग 3-4 महीने से वहाँ रह रहे हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड्स वगैरह देखे गए, बच्चे का जो स्कूल का पहचान पत्र है वो देखा गया, सारी चीज़ें जो हैं ये तस्दीक हो गई कि वो लड़का जो है उसका रिलेटिव ही था बच्ची का और वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है और बच्ची को स्कूटी पे बिठा के निकला हुआ था और कहीं ना कहीं ये सारा प्रकरण जो है गलतफहमी की वजह से हुआ है। बच्चा चोर गिरोह की अफवाह फैल रही है तो लगातार अलग अलग कॉल्स भी आती होंगी आपके पास में, तो उसी की वजह मानी जा सकती है कि इस तरह से ये पूरा रहा। देखिए, ये एक गलतफहमी थी, गलतफहमी कभी भी हो सकती है और गलतफहमी का कोई भी कारण हो सकता है, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस बारे में अवेयर ना रहें कि अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में अवेयर ना रहे। बच्चे सबके साझे होते हैं और हमें एहतियात बरतना चाहिए, बट थोड़ा सा हमें कंस्ट्रेंट ये रखना चाहिए कि चीज़ों को वेरीफाई कर लें और एकदम से वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स कि कोई किडनैपिंग है या कुछ है। तो यही है, कोई भी चीज़, कोई भी अपना थॉट बनाने से पहले हम चीज़ों को वेरीफाई कर लें। यही पुलिस ने भी किया है कि पुलिस के सामने जब ये संज्ञान में मामला आया तो सबसे पहले हमने चीज़ों को वेरीफाई किया और विद इन 5 मिनट्स वी गॉट द थिंग्स वेरीफाइड और सारी चीज़ें सुलझ गई।